जय गुरु गोरखनाथ। महाकाल भैरव तंत्र या महाकाली तंत्र हो, जरूरी नहीं कि उस तंत्र को काटने के लिए उसी विद्या का प्रयोग किया जाए। बिल्कुल सही बात है। दस महाविद्या से कोई तंत्र किया गया हो या शमशान तंत्र किया गया हो, हम हर तंत्र को अपनी सात्विक विद्या से आराम से काट सकते हैं। सात्विक विद्या यानी कि मात्र हनुमान चालीसा से हम किसी भी घोर तंत्र को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मैं आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने की विधि और उस पाठ का प्रयोग उठाने की विधि आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए वीडियो को। मात्र हनुमान चालीसा के पाठ से आप किसी भी घोर अघोर तंत्र को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। विधि ध्यान से सुनिए। आपको अगर हनुमान जी की सिंदूर की प्रतिमा है, दो तरह की प्रतिमा आपको मंदिरों में या आप अपने घर पर रखते हैं, एक तो सिंदूर वाली प्रतिमा और एक ये संगमरमर वाली। अगर सिंदूर वाली प्रतिमा है तो आप दिल करे उतना सिंदूर जरूर चढ़ाएं चमेली के तेल में भिगोकर। अगर वो नहीं है तो सिंदूर और चमेली का तेल तो हनुमान जी के लिए अति प्रिय है, तो सिंदूर संगमरमर की मूर्ति पर भी उसका तिलक अवश्य होगा। इसके अलावा गुग्गल की धूप चालू करें। सुबह का समय ये 3 बजे का, सुबह के समय आपको हनुमान जी के चालीसा के 11 पाठ करने हैं लगातार। एक कटोरी में आप जल ले लेंगे और उस कटोरी जल को कटोरा ले लेना एक बड़ा और उसको अपने सामने रख लेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते और गूगल धूप सुलगते सुलगते आपको उस जल पर ध्यान देना है, उस जल को देखते रहना है। 11 बार पाठ करेंगे बोलकर, आपको बोलकर पाठ करना है कंबल के आसन पर बैठकर। 11 बार पाठ होने के बाद जब आपका पाठ पूर्ण होगा तब आपको वो जल का छींटा सारे घर में देना है और उस जल का सेवन भी करना है। जिसको कुछ खाया पिलाया भी है, यानी कि खाने पिलाने के कारण, खराब खाने पिलाने के कारण, यानी किसी ने तंत्र मंत्र पढ़कर खिला पिला दिया है, तो वो भी जड़ समेत साफ होगा और इसका असर आपको पहले दिन के पाठ से ही स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। स्पष्ट आपको आराम अपने शरीर में महसूस होगा। घर में अगर कहीं कुछ दबा रखा है तो उसमें भी आपको पहले दिन के पाठ से ही स्पष्ट दिखाई देगा कि आपको कितना आराम मिल रहा है। ये ज्यादा बड़ी और कठिन साधना नहीं है, कोई कठिन नियम मैं आपको नहीं बता रहा हूं, एक साधारण सा नियम है। अगर आपको परेशानी है तो आप एक बार करके जरूर देखिए, एक बार तो करके देखिए आप, और जो भी आपका रिजल्ट है वो आप मेरे साथ कमेंट में ईमेल पर जरूर शेयर करें, ताकि उससे क्या फ़ायदा होगा। मुझे तो कन्फर्म है, मुझे तो विश्वास है कि इससे लाभ होगा ही होगा, लेकिन उनको भी लाभ होगा जो नए हैं हमारे इस चैनल पर, उनको लाभ हो, फ्री में लाभ हो, कोई पैसा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप लाभ उठाएं और दूसरे भी लाभ उठाएं, उसके लिए आपका अनुभव शेयर होना जरूरी है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, चाहे कोई भी भयंकर से भयंकर तंत्र हो, हनुमान चालीसा एक सात्विक सा प्रयोग है, बिल्कुल सात्विक, घर पर ही करें और उस भयंकर से भयंकर प्रयोग को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे आप, विश्वास कीजिए और इस प्रयोग को अमल में लेकर जरूर आएं।
जय गुरु गोरखनाथ। हाँ देवी, जय श्री राम।